वीडियो में हम बात करेंगे ROCE और ROE में कौन बेहतर है, मल्टीबैगर शेयर को ढूंढने के लिए हमें किसे यूज करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो ROCE होता है और ROE में क्या डिफरेंस है और क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलरिटी है, दोनों को जानेंगे। देखिए ROCE और ROE दोनों का अपना अपना जगह सिग्निफिकेंस है, दोनों बेटर है। अगर किसी कंपनी को स्टार्टिंग फेज में आपको देखना है, स्टार्टिंग फेज में पकड़ना है किसी मल्टीबैगर शेयर को, तो आपको ROCE का यूज करना चाहिए। क्योंकि देखिए ROCE में जो हम यूज करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यूज करते हैं, और जबकि ROE में हम नेट इनकम यूज करते हैं। अब कोई कंपनी होती है वो आप अच्छा खासा जो है वहाँ से जनरेट करता है सेल्स को, और उससे अच्छा खासा मार्जिन भी अर्न करती है, लेकिन कंपनी जो स्टार्टिंग फेज में है तो काफ़ी सारा डेट ले रखा है, जिसके कारण उसका जो नेट इनकम है वो निगेटिव हो जा रहा है, लेकिन वो कंपनी बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर रही है, तो वैसे में आपको ROCE जो है पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन ROE जो है निगेटिव दिखेगा। देखिए निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ROCE भी हो सकता है, ROE भी हो सकता है, लेकिन जो कंपनियां स्टार्टिंग फेज में है अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रही है उसका ROCE आपको पॉजिटिव दिखेगा, ROE निगेटिव दिख सकता है। तो इसलिए दोनों का सिग्निफिकेंस है। अगर आपको वेल एस्टेब्लिश कंपनियां ढूंढनी है तो उसका दोनों आपको पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों रिटर्न अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो ROCE है ये हमें दिखाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है टोटल कैपिटल पर। तो टोटल कैपिटल पर रिटर्न देखना हो तो आपको ROCE यूज करना है। अगर आपको नेट इनकम सिर्फ देखना हो शेयर होल्डर्स के इक्विटी पर कितना कंपनी जनरेट कर रहा है, तो आपको ROE यूज करना चाहिए। तो ROE और ROCE दोनों अपना अपना सिग्निफिकेंस रखता है। अगर किसी नई कंपनी को स्टार्टिंग फेज में ही आपको कैप्चर करना है मल्टीबैगर शेयर के रूप में, तो आपको ROCE का यूज करना चाहिए। और वहीं वेल एस्टेब्लिश अच्छी कंपनियां हर फंडामेंटल्स पे पूरी तरह से स्ट्रांग हो, तो आपको दोनों का यूज करना चाहिए, ROCE का और ROE का। साथ ही साथ जो अलग अलग पैरामीटर्स है उसको ज़रूर देखें। तो सारे पैरामीटर्स कौन कौन से देखने चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल पैरामीटर्स और टेक्निकल पैरामीटर्स आपको देखना चाहिए अच्छी कंपनियों को फाइंड आउट करने में।